मित्रों, मैं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज, आरजे न्यूज भारत में आपका स्वागत। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में फिर से मानवता हुई शर्मसार, परिजन अंत्येष्टि के लिए हुए परेशान। आपको बताते चलें कि कोरोना काल के बढ़ते प्रकोप से लोग इस तरह भयभीत हैं कि मानवता भी भूल बैठे हैं। नॉर्मल मौत पर भी किसी का साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसे ही एक मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सीबीएम के स्लीपर रोड जहां रहने वाले 64 वर्षीय सुखविंदर की अचानक गिर जाने से शुक्रवार की शाम मौत हो गई। उनका बेटा मनदीप सिंह पहले दिल्ली के टाइम्स ऑफ इंडिया अंदर कार्यरत था। काफी समय से रेडियो मिर्ची में आरजे के पद पर कानपुर में तैनात थे। मनदीप ने बताया कि बचपन से ही अपने घर नहीं रह रहा था, इसके घर पर दो बहनें थी एवं माता पिता ही अकेले रहते थे। दो दिन से पिता को कमजोरी लग रही थी, इस समय शाम अचानक बेहोश होकर गिर गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पिता की मौत, मनदीप अपने सहयोगी नवनीत कौर के साथ कानपुर से बरेली पहुंच गया, परंतु आस पड़ोस के साथ देने वाला कोई नहीं था, अंतिम यात्रा में शामिल होने वाला कोई नहीं था। मीडिया होने की वजह से सहयोगी का नंबर मिला, इससे उन्होंने सहयोग मांगा। गुरुद्वारा गुरु नानक सत्संग सभा कोहड़ा पीर के हेमंत, हमारी टीम सीवीगंज पहुंची, ज्ञानी के सहयोग से सबरत की तैयारी की गई, अरदास हुई। सबको कांधा देने वाले चार लोग नहीं थे, इस हालत में मनदीप के साथ सहयोगी नवनीत कौर, दोस्त हेमंत सिंह ने सबको कांधा दिया। बरेली सरोज गुप्ता की रिपोर्ट।